तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्टफोन्स के बारे में। जब भी हम पैसे जमा करते हैं सोचते लेने का एक स्मार्टफोन को, तो ऐसे में दो चॉइस होती है हमेशा ही, या तो हम एक तो बॉक्स पैक पीस ले लें या फिर हम ले लें सेकेंड हैंड। अगर हम सेकेंड हैंड लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम फ्लैगशिप फ़ोन जो आज से 1 से 2 साल पहले आया हो किसी एक अच्छी कंपनी की तरफ से, वो ले लो, या फिर आज की डेट का एक अच्छा मिड रेंज फ़ोन ले लो। तो उसके अंदर आपको क्या चूज़ करना चाहिए, पर्सनली मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, मैं क्लियरली आपको समझा देता हूँ टॉपिक क्या है, ताकि आपको और डेप्थ में समझ आएगी वीडियो। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो बजट है 60,000 तक का, उसके अंदर एक जो है मिड रेंज फ़ोन आपको मिल जाता है सैमसंग की तरफ से, जो लेटेस्ट पिछले मंथ लॉन्च हुआ है फॉर एग्जाम्पल, आपको वो लेना चाहिए, या जो सैमसंग का पिछले 2 साल पहले S9 आया था या Note 9 जो फ़ोन आया था, या वो लेना चाहिए क्योंकि वो उस वक्त का फ्लैगशिप फ़ोन था। दो ऑप्शन है आपको क्या लेना चाहिए, तो इसी चीज़ को लेके मैं जो है इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, समझाऊँगा कि किस तरीके से क्या सिलेक्ट करना चाहिए आपको फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान सलीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ टेकी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये कोई चीज़ गलत नहीं होती। अगर आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने कोई फ़ोन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी की बात में मान के फ्लैगशिप फ़ोन ले लिया, और आप बाद में कहो कि ये जो बंदे ने फ्लैगशिप फ़ोन को सजेस्ट किया, फ़ोन जो है गलत आ गया। फ़ोन कभी भी गलत नहीं होता, मतलब कि हर बंदे का अलग अलग कंडीशन होती है, उसके अंदर जो है सारी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। और इस वीडियो के अंदर भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बोल दूँगा कि मिड रेंज अच्छा है, मिड रेंज ले लो या फिर फ्लैगशिप ले लो जाके जो 2 साल 1 साल पुराना है, मैं ऐसी बात नहीं करने वाला। मैं आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात देखो, क्लियर कर दूँ, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हो जो आज की डेट की हो, मतलब कि कोई आप ऐसी चीज़ चाह रहे हो उसके अंदर कोई ऐसा हार्डवेयर चाह रहे हो कि वो आज की डेट का बस मतलब लेटेस्ट हो, फ्रेश पीस हो, फ्रेश हार्डवेयर हो, फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि भाई आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप जाके ले लो मतलब कि नया मिड रेंज बॉक्स पैक पीस ले लो, वो आपका जो काम है कर देगी। अगर कोई आपकी ऐसी स्पेसिफिक नीड है, अगर कोई आप ऐसा गेम खेलना चाह रहे हैं मतलब जो कि आज की डेट के कोई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका रिलेशन हो, या फिर उसको हार्डवेयर कोई अच्छा चाहिए आज की डेट का ही, तो मतलब कि इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, ना किसी की मानो। मतलब पहले आप जब भी कोई चीज़ लो, तो पर्सनली मैं आपको बोलूँगा कि हर चीज़ के अंदर खास तौर पे कोई भी रिलेटेड है मोबाइल फ़ोन के या लैपटॉप से, तो आप पहले चेक करो और देख के जाओ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते हैं किस लिए स्मार्टफोन को लेना। अगर आप मतलब के पास शुगलबाजी के लिए चाहते हो तो वो एक अलग सीनियर रहेगा, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। बट मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ स्पेसिफिकली, अगर आपको चाहिए कोई आज ही डेट की ही चीज़, तो आप ये मत सोचो कि मेरा जो है 200 पुराना S8 S9 जो सैमसंग की सीरीज़ में काफ़ी कामयाब फ्लैगशिप फ़ोन थे वो पूरा कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचो। आप सिंपली जाके आज ही डेट का फ़ोन ले लो। अब आपको चाहिए कोई एक अच्छा मतलब कि टिकाऊ पीस, मतलब कि कोई ऐसा पीस हो मतलब कि जो सदाबहार एवरग्रीन फ़ोन रहा हो कोई अच्छी कंपनी की तरफ से, और आपको चाहिए कोई एक अच्छा महंगी डिवाइस, मतलब कि महंगी डिवाइस मतलब इन द सेंस कि कोई आज से बल्ले 1 से 2 साल पहले भी आया हो, आया है तो वो भी चल जाएगा, मतलब कि इसके अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज आया हो कल आया हो, बट आपको चाहिए पीस एकदम अच्छा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, उसके लिए कैमरा अच्छा चाहिए, फ्लैगशिप फीचर्स चाहिए आपको, तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि आप जाके ले लो S9 को, आपको मिल जाएगा इजीली मार्केट से, चाहे बॉक्स पीस ले लो अगर बजट बनता है, या आप ले लो सेकेंड हैंड। तो मतलब कि हम बात मेन कर रहे हैं यहाँ पे बॉक्स पैक वगैरह की नहीं, बात की मतलब कि जो डेप्थ है उसको समझो, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं एक फ्लैगशिप फ़ोन की वर्सेस एक मतलब कि एक ओल्ड फ्लैगशिप फ़ोन की वर्सेस न्यू मिड रेंज फ़ोन से हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है और मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो सिंपल मैंने आपको समझाया और मैं आपको क्लियर कर दूँ, मतलब कि इसके तो उलझना नहीं, मतलब कि मिड रेंज आज की डेट का वो भी अच्छा ही होगा, जो 2 साल पहले का आया फ्लैगशिप वो भी अच्छा ही होगा। मतलब कि अगर आप मार्केट में जाओगे, मार्केट वालों से रिकमेंडेशन लोगे, तो आप यहाँ पर जाके जो है फंस जाओगे। आप जाके चेक करो कि भाई आपको 3 कैमरे वाला फ़ोन चाहिए क्या, 4 कैमरे वाला है, या आपको प्रोसेसर कौन सा चाहिए, GPU कौन सा चाहिए, रैम कितनी चाहिए, स्टोरेज कितनी चाहिए, इन चीज़ों को देखो, उसको नोट करो, उसको नोट डाउन में लिस्ट करो, ये चीज़ फीचर जो है मेरे को किसी भी हाल में चाहिए। और जब तक तो ये फीचर उस मोबाइल में आपको मिलते नहीं, चाहे फ्लैगशिप हो 2 साल पुराना, चाहे आज की डेट का मिड रेंज हो, तो आपको मतलब कि चेंज होना ही नहीं, कन्वर्ट होना ही नहीं। मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी हैं कि काफ़ी लोग मतलब कि मार्केट में जो है क्रिएट कर देते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं वो उतने शातिर होते हैं, कभी कह देते हैं कि जो फ्लैगशिप है वो तो भाई काफ़ी अच्छा फ़ोन था, वो ले लो आपके लिए। मतलब कि मैं ये बात क्लियर मेंशन कर दूंगा, जो फ्लैगशिप फ़ोन है या मिड रेंज फ़ोन है या मतलब के बजट फ़ोन्स होते हैं बिल्कुल मतलब के स्टार्टिंग वैल्यू जो होती हैं 20,000-15,000 के आसपास, तो मैं कहता हूँ वो फ़ोन भी बेकार नहीं होते, बेकार कुछ भी नहीं होता। बेकार मतलब कि मैं क्या बोलूँ कि हर बंदे की अपनी नीड होती है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है बंदा जज कर रहा होता है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मेरी नीड है एक फ्लैगशिप फ़ोन की, मेरे को कुछ
हार्डकोर काम करने अपने मोबाइल फ़ोन में, या मेरे को 4 कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब मैं लेके आ जाता हूँ सस्ता बेकार फ़ोन जो कि मेरी नीड को फुलफ़िल नहीं करेगा, तो मैं क्या कहूँगा कि ये फ़ोन बेकार है, इसको मतलब कि कोई काम का नहीं, घटिया फ़ोन है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं किसी को क्लियर करूँगा, मैं खाली दूसरे को ये बोलूँगा ये फ़ोन मत लेना, ये फ़ोन बेकार है। बेकार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फुलफ़िल करनी थी सारी जो रिक्वायरमेंट वो एक फ़ोन नहीं कर पा रहा, तो मैं इस बेस पर कह रहा हूँ। फ़ोन में कोई फॉल्ट नहीं है, फ़ोन में कोई फॉल्ट ऐसे भी देखने को नहीं मिलता, बस आपको चेक करना है मार्केट रेट और बस जाके लेना है, इसमें ज़्यादा सोचो नहीं। जितना आप सोचोगे इस चीज़ के लिए, इतनी रियली बता रहा हूँ फ्रेंड, उतना आपको जो है और कन्फ्यूज़ करेगी। और अगर आप कन्फ्यूज़ होते होते इस वीडियो पर पहुँचे हो, तो आई होप कि जो आपका मेन डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे से एक मतलब कि आप सोचते हो कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, मैं दोनों अलग अलग कंडीशन में बता देता हूँ। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, अगर मेरी नीड है कि मतलब कि आज की डेट का हार्डवेयर चाहिए, लेटेस्ट चीज़ चाहिए, तो ऑफकोर्स मैं बात करूंगा। और मेरे को ये सोच रहा हूं कि मैं आज से आने वाले 5-6 साल तक उस फ़ोन को रन करूंगा, मतलब कि बेचना नहीं आने वाले 5-6 साल। अगर आपकी ऐसी सोच है तो मैं आज ही डेट का मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो फ़ोन आया है अभी उसके लिए मतलब कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट्स आ रही होंगी बिल्कुल ईजिली, और आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट जो है उसकी लॉन्ग टर्म तक आने की हम सोच सकते हैं। वो भी किसी की गारंटी नहीं होती कि कब तक अपडेट्स आ रही हैं, कब तक हार्डवेयर उसका जो है बेस्ट चल रहा है, बट मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ ओवरऑल। अगर आप आज से 3 साल पुराना फ़ोन खरीद लोगे, 2 साल पुराना फ़ोन खरीद लोगे, उसकी अपडेट तो आज भी आ रही होगी, लेकिन हो सकता है बाय चांस आज से 3 साल बाद, आज से 2 साल बाद जो उसकी अपडेट्स हैं वो आना बंद हो जाए, और आपकी मेन नीड हो कि उसके अपडेट भी चाहिए आपको, मतलब कि लेटेस्ट चीज़ चलानी है, तो आप यहाँ पर जाके फंस जाओगे। तो यही चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ की नीड है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो कि मैं अभी और कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि रियली फ्रेंड मैं आपको कन्फ्यूज़न नहीं कर रहा और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, बात होता है कि जो सही बात भी होती है नहीं समझ आ रही होती, तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे नीचे कमेंट करो, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, मैं आपको पर्सनली आपको अच्छा मशवरा, अच्छी जो है गाइडेंस दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और लास्ट में अपनी एक जो है अपना ओपिनियन है वो शेयर कर देता हूँ, मैं किस तरफ जाऊँगा। मैं सिंपली जाऊँगा 2 साल पुराने फ्लैगशिप फ़ोन पर, क्योंकि भाई सीधी बात है, देखो अगर मैं आज की डेट में एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ 60 या 70 हज़ार के आसपास का, और फ्लैगशिप फ़ोन खरीदा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं S9 सैमसंग का, अगर इस बजट में आता है, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या यार रेट है, बट हम मान लेते हैं S9 मेरे को मिल रहा है अच्छी कंडीशन में, या बॉक्स मान लेते हैं, और वो मेरे को मिल रहा है 60,000 के अंदर, तो मैं सिंपली वो खरीद लूँगा। मैं आज की डेट के अंदर चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरी को सिंपली मालूम है कि भाई मेरे को कोई अच्छा पीस चाहिए, मेरे को कोई खास के अंदर काम नहीं करना, मुझे नहीं परवाह कि आज उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चले या कल मतलब कि पुराना चले, मेरे को उससे कोई परवाह नहीं है, उससे मेरे को कोई मैटर नहीं है, बस मोबाइल अच्छा हो और नामी गामी हो, एक अच्छे मतलब कि फ्लैगशिप टॉप एंड जो है उसके अंदर हार्डवेयर लगा होना चाहिए, तो डेट सेट मेरा काम चल जाएगा। और मेरे को ये भी नहीं चलाना कि आज से 3 साल बाद भी मैं यही फ़ोन को चला रहा हूँगा, मेरे को चाहिए कि मैं अगले साल मोबाइल फ़ोन चेंज कर दूँ, अगले साल जो है फ़ोन को यूज़ करना छोड़ दूँ ये वाले, तो मैं इस सोच से अगर जाऊँगा तो सिंपली फ्रेंड और मैं पर्सनली अगर मेरे से एक बात भी पूछा जाए, तो ऑफकोर्स बात है मैं फ्लैगशिप फ़ोन को चॉइस करूँगा, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन जो है उसके अंदर टॉप एंड हार्डवेयर होता है आज से 2 साल पहले का, जब 2 साल पहले तक का जो सीनेरियो चल रहा होता है मार्केट के हिसाब से, तो उसके अंदर वो फ़ोन जो है फ्लैगशिप रह चुका है, तो इसी की बेस पे जो है मैं वाला फ़ोन खरीदूंगा। और अगर आपको चाहिए आज की डेट का, तो सिंपल है, मतलब कोई मतलब किसी की बात नहीं माना, क्लियर में कह दूँ कि आप आज की डेट का मिड रेंज ले लो। अगर आपको खेलनी है पबजी गेम वगैरह, और आप देख रहे हो कि वो जो पुराना फ़ोन है 2 साल पुराना है 3 साल पुराना, उसके अंदर इतना GPU जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि पबजी गेम मतलब कि रिसेंटली अगर मैं कहूँ, अगर मैं गलत ना हो, तो 1.5 साल 1.5-2 साल हो गए होंगे इस गेम को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं पबजी को इतना खेलता नहीं हूँ। और आप सोच रहे हो कि मैं पुराने GPU पे चला लूँगा, और जो GPU आप चेक करो कि कैपेबल है आपकी गेमिंग के हिसाब से, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ चेक करोगे, अभी भी कन्फ्यूजन कोई टेंशन नहीं, मैं बैठा हूँ, नीचे कमेंट करो, मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ अभी के अभी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, काफ़ी अगर मैं चाहता इस वीडियो को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, काफ़ी जो है टेक्निकली फैक्टर लेके आ जाता, प्रोसेसर चेक करो, CPU चेक करो, GPU चेक करो, नहीं रिक्वायरमेंट चेक कर लो, डेट शीट आप जो है फाइनल कर जाओगे इस चीज़ को, अगर फिर भी मसला आ रहा है मैं बैठा हूँ, कोई मसला नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो फिलहाल इतना ही था, देख लेंगे, बहुत सारे शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।